चाहे तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तक दीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, द ग्रे इंडिया चैनल में सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, नीचे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, जल्दी से ग्रे इंडिया चैनल को वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, जो आपने अभी एक टीजर देखा वो एक लिरिक्स वीडियो के ऊपर है कि हम एक इस तरह का लिरिक्स वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही बताएंगे कि लिरिक्स वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट नीचे डाउनलोड के अंदर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप ग्रे इंडिया की वेबसाइट से सारा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपने उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद अपने प्रीमियर के अंदर इम्पोर्ट करना है, सिर्फ वहां पे आपने लिरिक्स चेंज करने हैं और अपनी जो फोटो चेंज करनी है, जिस लिरिक्स की आप वीडियो बना रहे हैं फोटो चेंज करनी है। तो बताऊंगा मैं आपको किस तरह से आपने चेंज करनी है। बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर अभी जो आपने देखा कि लिरिक्स लिखे आ रहे हैं कि ब्लैक पट्टी के ऊपर, जो ब्लैक एक बार बनाया उसके ऊपर लिरिक्स लिखे आ रहे हैं, उसके लिए वो एक आफ्टर इफेक्ट के अंदर क्रिएट किया गया मोशन ग्राफिक है। इसके लिए आपको जो आपके प्रीमियर प्रो के साथ साथ आपका आफ्टर इफेक्ट भी इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपका एक्सपोज करो कि प्रीमियर प्रो 2015 है और आपका आफ्टर इफेक्ट भी 2015 ही होना चाहिए। अगर 2018 है या 17 है, आफ्टर इफेक्ट भी आपका 2017 या 18। अगर 2019 है प्रीमियर प्रो, आपका आफ्टर इफेक्ट भी 2019 होना चाहिए। नहीं तो वो अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो आपका जो ब्लैक बार है वो वर्क नहीं करेगा। पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से अपना जो सॉन्ग के लिरिक्स लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने प्रीमियर प्रो जैसे ही ओपन करेगा आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देना, जैसे मैं लिख देता हूँ लिरिक्स। आपने ब्राउज करना है प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे करना है। तो जैसे मैं आई के अंदर यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर सेव कर देता हूँ और ओके कर देना है। तो जैसे ही आपका प्रीमियर प्रो ओपन होगा दोस्तों, उसके बाद जो डाटा आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है उसके ऊपर जाना है। जैसे वो मेरा आई के अंदर पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट लिरिक्स। तो जिप फाइल से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पूरी फाइल्स दिखाई देंगी, पूरा डाटा है जो इस तरह का, इंक ट्रांजिशंस भी हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फाइल दिखाई देगी इंक स्लाइड शो। तो इस प्रोजेक्ट फाइल को आपने उठाना है, अपने प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आना है दोस्तों। जैसे ही अपने प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आएंगे, इंपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट फोल्डर, अलो इंपोर्टिंग डुप्लीकेट मीडिया, ओके। तो यहाँ पे आपका डाटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका डाटा इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद आपको ये फॉन्ट सर्च करने लग जाएगा, आपने कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट एडिट को ओपन करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस सीक्वेंस के ऊपर। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा आपके पैनल के ऊपर शो करने लग जाएगा, पूरा जो आपने क्रिएट किया है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पीछे का अगर कोई अदर एक्सपोज कीजिए कि कोई दूसरा लिरिक्स अब लिखना है आपने, कोई भी पंजाबी, जो कोई भी, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर सीक्वेंस स्क्रीन 9 के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, देख सकते हैं सब लिखा हुआ है। इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इमेज 9 के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज आ जाएगी आपको दोस्तों। इमेज कोई अदर भी सॉन्ग की कोई भी मैं इसी के लगा लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। आपने अपने प्रीमियर प्रो के अंदर इम्पोर्ट करनी है।
तो बिल्कुल आप अपने टाइमलाइन के जहां पे इमेज चेंज करनी है नीचेली फोटो डिलीट कर सकते हैं। अभी ये फोटो छोटी है, इसकी रेजोल्यूशन छोटी है, तो इसको आप सेट टू फ्रेम स्केल कर सकते हैं। तो फ्रेम पे पूरी जगह कंट्रोल एस करना है, तो आप मेन फाइनल कॉम्बो के अंदर जाके देख सकते हैं कि फोटो चेंज हो चुकी है। दोस्तों लिरिक्स चेंज करने का तरीका दोस्तों यहाँ से है कि जहां जहां से मतलब लिरिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं, जैसे बोलता है, यहां से आप अपने लिरिक्स चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल जो आपने लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्राफिक्स के अंदर जाना है दोस्तों। ग्राफिक्स के अंदर जाते ही यहां पे जो टाइटल लिखा हुआ है, आप इसे यहां से चेंज कर सकते हैं। ग्रे इंडिया, ग्रे इंडिया लिख दिया, तो यहां पे टाइटल आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है दोस्तों। आगे ला नेक्स्ट टाइटल चेंज करना, इसी तरह से ग्राफिक्स के अंदर तो आप है ही, तुझे ही तो मैं तक रहना चाहता हूँ, ये डिलीट कर देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों तुझ पे ही तो। ऐसे आप इस तरह से सारे टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। जहां से लिरिक्स बोलना स्टार्ट करते हैं वहां तक आप अपने उठा के एडजस्टमेंट कर सकते हैं हर लिरिक्स की, इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं जहां पे आपको चाहिए लिरिक्स। तो इस तरह से आप इस तरह से नीचे सॉन्ग रखिएगा, ऊपर से आप टाइटल चेंज करते जाइएगा। आपको जैसे अब ये 1 मिनट का है, अगर आपको और भी बढ़ाना है, जैसे गाना 3-4 मिनट का होता है, लिरिक्स बढ़ाने हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्राफिक टाइटल बढ़ाने का तरीका है कि ALT 8 को दबाना है, 8 को दबा के रखना है और अपने एक और कॉपी कर लेना है। इस तरह से आप नीचे वाली स्क्रीन भी कॉपी कर सकते हैं, 8 को दबाना है, नीचे वाली स्क्रीन कॉपी करते जाइएगा। तो इसी तरह से आपका जो पैनल है बढ़ता जाएगा, आप जितनी मर्जी चाहे 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की लेंथ जितनी मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों फोटोज भी चेंज हो चुकी है हमारी सारी जगह पे। तो इसी तरह से ये सारे पैनल भी बढ़ा देने हैं आपने, बिल्कुल एडजस्टमेंट लेयर्स हैं ये, ऊपर लाइट लिक्स है, इसी तरह आप इसे भी खींच के बढ़ा सकते हैं गाने के। यहाँ से आप लिरिक्स चेंज कीजिएगा, यहाँ पे आपने फोटो चेंज करनी है, ऑडियो के बारे में बता दिया, ऑडियो चेंज करनी है आपने, और यहां से जाके ग्राफिक्स के अंदर जाके लिरिक्स को चेंज कर देंगे। आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना था। ग्रैंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छे आपके लिए ट्यूटोरियल ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।